नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुकट टेक का एक फ्रेश एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जियो का अंदर स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि मेरे एरिया के अंदर मुझे कितना स्पीड मिलता है जियो के अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई स्पीड टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज का इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जियो के अंदर स्पीड टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि मेरे एरिया के अंदर मुझे कितना जियो के अंदर स्पीड मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पीड टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो ओकला एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं ओकला एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो ओकला एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली स्पीड टेस्ट चालू करते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पिंग आ रहा है वो आ रहा है 29। यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर पिंग जो यहाँ पर 29 आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग मेरा जियो का स्पीड आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मुझे जियो के अंदर अभी जो है काफ़ी अच्छा स्पीड मिल रहा है। इसका पहले मेरे एरिया के अंदर इतना स्पीड मुझे नहीं मिल रहा था जियो के अंदर, लेकिन अभी आप लोग स्पीड देख सकते हो। यहाँ पर स्पीड टेस्ट अभी भी चालू है। तो यहाँ पर मुझे डाउनलोड स्पीड जो यहाँ पर मिला है 12.2 MBPS मुझे यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मिला है, और अपलोडिंग स्पीड अभी भी चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपलोडिंग स्पीड है यहाँ पर मुझे 3.15 MBPS यहाँ पर मुझे मिला है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मुझे मेरे एरिया के अंदर इतना स्पीड मुझे पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जियो का जो टावर है वो अपग्रेड हो गया है मेरे एरिया के अंदर। तो यहाँ पर मेरे एरिया के अंदर मुझे जो टावर का जो स्पीड है यहाँ पर इंटरनेट के, यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं आप लोग को और एक बार यहाँ पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर मुझे स्पीड मिल रहा है। ओके, हम लोग और एक बार स्पीड टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे वाला हम लोग स्पीड टेस्ट चालू किए, तो यहाँ पर जो पिंग है वो 32 यहाँ पर स्पीड पिंग है यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर अभी लोग स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कंटिन्यू यहाँ पर 12 MBPS के यहाँ पर स्पीड जहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मुझे 12.8 MBPS मुझे मिला है, और अपलोडिंग स्पीड अभी भी चालू है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अपलोडिंग स्पीड है वो यहाँ पर 3.10 MBPS मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया मेरे एरिया के अंदर मुझे जियो के अंदर कितना स्पीड मिल रहा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास होने के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आपके एरिया के अंदर आपको जियो के अंदर कितना स्पीड मिल रहा है वो आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।